मनोज जी फिल्म चूंकि आपने लिखी हुई फिल्म तो ऑनलाइन बताए, इसका मूड बताए, मोड बताए, फिल्म की कहानी बताइए। फिल्म की कहानी मैं नहीं कहूँगा कि नया है, 80 के दशक की जो फिल्में होती थी मनमोहन देसाई की या सुभाष घई की, उस तरह की फिल्में हैं, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर है, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और किसी कारणवश बहुत दुश्मन, बड़े दुश्मन बन जाते हैं, वापस एक मौका आता है दोस्त बनने का, लेकिन फिर गोलियाँ चल जाती हैं। लेकिन दोनों के बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब दोनों इस दुश्मनी की आग को ख़त्म करते हैं, दोस्ती में बदलते हैं, और बिल्कुल पुराने ढर्रे की फिल्म है, लेकिन डायलॉग अच्छे हैं, स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है, गाने बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मर सब अच्छे हैं, सुशील हैं, संजय पांडे हैं, इसके अलावा ब्रजेश जी हैं, समीर हैं, सद्दाम हैं, अभिलाषा हैं, राज कपूर शाही हैं, जितने भी एक्टर हैं सब। संजय श्रीवास्तव मेरे साथ रंगमंच किया है 12-15 साल एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल महक निभा रही हैं, हीरोइन है इसमें। संजय के बारे में इतना कहूँगा, ही इज ए वेरी गुड डायरेक्टर। अभी बहुत अच्छा मौका नहीं मिला है, लेकिन उसको मौका भी मिलेगा तो इम्प्रूव करके दिखाया जाएगा। अभी अच्छा डायरेक्टर है, उसके मारे बनाया था उसने अभी, और आप राइटर के अलावा एक्टर भी हैं, तो आपकी भूमिका इसमें क्या है? मैं इसमें भिखारी बना हूँ। एक्चुअली शहर में जाता हूँ जॉब ढूंढने, और मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि भूखो एक जगह बैठा हूँ तो लोगों को लगता है भिखारी बैठा है, उसके ऊपर पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं, तो मेरा दिमाग क्लिक करता है, यार ये तो अच्छा है, तो पैसे मिल रहा है तो और कपड़े फाड़ देता हूँ और फिर पैसे गिरने लगते हैं। फिर धीरे 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 मैं ऐसी पोजिशन बनाता हूँ कि भिखारियों की भर्ती करने लगता हूँ और अपॉइंटमेंट लेता हूँ, एमए पास को क्या देना है, बीए पास को क्या देना है, पीएचडी जो है उसको कहाँ बैठाएंगे, फिर टेलीफोन पर सब डील करता हूँ कि सिग्नल से कितना आया, मंदिर से कितना आया, गुरुद्वारे से कितना आया, सब मेरा कमीशन बनता है, मस्जिद से जाता हूँ चेक करने। ये कैरेक्टर आप खुद फाइनलाइज करते हैं, डायरेक्टर आपके संजय श्रीवास्तव फाइनल करते हैं? देखिए क्या है कि मैं आइडियाज निकालता हूँ, मैं ढूंढता रहता हूँ एज ए कॉमेडियन, फिर मैं डायरेक्टर से डिस्कशन करता हूँ, अगर उसने हाँ कर दिया तो मान लेता हूँ, नहीं माना तो दूसरे को तैयार करता हूँ, दूसरे डायरेक्टर को भाई इसको डालिए, तो अगर डायरेक्टर मान लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ठंडे बसते हैं, कोई बात ही नहीं है।